मैं पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा के लिए कार्य कर रहा हूँ। यहाँ एक बरसाती पानी की नाले की समस्या है और पेयजल की कुछ कच्ची बस्तियों में पेयजल की समस्या है और पट्टा की समस्या है और एक सफाई की समस्या है। इन चार पांच मुद्दों को लेकर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और विजय होने पर ये सारे समस्या का निस्तारण करूँगा। मैंने सबसे बड़ा 2007-08 में मैंने जो सड़क था, जो मेन सड़क थी, उसको मैंने उसका विस्तारण कराकर लोगों के जो आए दिन एक्सीडेंट होते थे उसका थोड़ा कराया और भी नालों की नाले बनाए बरसाती पानी का और फिर एक दो पार्क बनाए जिससे कि लोग जहाँ पर शाम को वॉकिंग कर सके, घूम सके और फिर ऐसा एक धार्मिक मंदिर भी बनाया जिससे कि लोग अपनी आस्था हिसाब से वहाँ समय बिता सके। निश्चित रूप से जो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट बनेगा क्योंकि राज्य सरकार ने जिस प्रकार के जो बिजली के बिलों का विषय है और साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री जिसे की अपेक्षा थी विकास के कार्य की, वो अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे हैं। जनता सारे त्रास है, ना तो कोई विकास का काम चल रहा है, ना सड़कों का, ना बिजली का, ना पानी का, इसलिए जनता इस सरकार कांग्रेस सरकार से ना खुश है। सुभाष गहलोत हमारे 70 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा काम आगे भी किया था, आगे और भी करेंगे। जैसे पर्यावरण में इनका बहुत अच्छा काम है, 7-8 साल से इन्होंने इतना बड़ा पार्क बनाया कि भाई शमशान में पेड़ लगाए कम से कम 6,000 पेड़ और ये जो डिवाइड रोड है इसके ऊपर सारे पेड़ लगाए हुए हैं, सब सुभाष गहलोत के लगे हुए हैं। जितना भी काम है पर्यावरण के प्रति और मंदिर के प्रति और समाज के प्रति सुभाष का बहुत अच्छा काम है। हम ये चाहते हैं 70 नंबर वार्ड से सुभाष गहलोत बहुत अच्छे वोटों से जीतते हैं। सुभाष गहलोत एक अच्छा व्यक्तिगत आदमी, आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, 25 सालों से हमारे बीच में हैं। पर्यावरण शिक्षा के बारे में, योगशाला शिक्षा के बारे में नई नीति लाने के लिए हमारे सुभाष जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं तय दिन से हमारे पूरे क्षेत्रवासी इसके साथ लगे हुए और इनको वोट देकर विजय बनाने की हमें उम्मीद है। वार्ड नंबर 70 से प्रत्याशी हूँ मैं। जो 29 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं, मेरे क्षेत्र में रहने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों से निवेदन है करबत से कि मैं आपके बीच में जाया जन्मा, आपके साथ मेरा बचपन बीता, मेरी जवानी बीती और मैं आपके साथ धार्मिक, सामाजिक और विभिन्न तरह के कार्यक्रम में मैं आपके साथ रहा, आपके दुख सुख में साथ रहा और ऐसे व्यक्ति को आप भारी मतों से विजय बनाए जिससे कि इस क्षेत्र में जो अधूरे विकास के कार्य पड़े हैं उसको मैं पूरा करा सकूं और इस वार्ड का चंद्रमुखी विकास हो सके। वंदे मातरम।